गाइस गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह देखो हैदराबाद में बारिश स्टार्ट हो गई है। आज कई दिनों के बाद बारिश हुई है, कई दिन तो मतलब। और ये देखो माँ लक्ष्मी के पास मैंने अगरबत्ती लगा रखी है। यहाँ से देखिएगा, देखो बारिश हो रही है। सुबह सुबह का नज़ारा हैदराबाद का कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह की पूजा हो गई है, लक्ष अपना वॉशरूम में है, वो भी उठ गया है। 7:25 हो गए हैं, कर ली पोटी। हे गाइस गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया है 11:45। बारिश तो बंद हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आज बंद ही नहीं होगी, लेकिन हाल फिलहाल तो बारिश बंद ही हो गई है। लेकिन फिर से हो सकती है बारिश, क्योंकि ऐसा मौसम खुला नहीं है कि बारिश नहीं होगी। और मैं बना रही हूँ इस टाइम अपनी चाय बना रही हूँ। मम्मी अपने कमरे में है, हाँ अभी अभी प्रेस करके हटी हूँ। मैंने कहा चलो चाय ले ली जाए, मौसम भी अच्छा है। यहाँ देखो कितना अच्छा लगता है, मेरी विंडो के नीचे कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देखो कितना सुंदर लगता है ये नज़ारा। और लक्ष्य तो अभी 4:30 के आसपास आएगा घर पर, देखते हैं फिर उसके आने पे कैसा रहता है। हाल फिलहाल तो मौसम ठीक हो गया है, ऐसा मौसम थोड़ा खुल जाना चाहिए ना, अदरवाइज सारे दिन ऐसी रहती है। कितनी भी साफ सफाई कर लो, थोड़ा बहुत पानी वानी ऐसे ही रहता है। कैसे हो आप लोग? मैं अपनी चाय बना रही हूँ, बस छोटे मोटे काम पर सारा दिन लगे हो। और अभी तो लक्ष्य थोड़ा हंस के जा रहा है स्कूल, अच्छा है। लेकिन स्कूल की वो गेट तक पहुँचते पहुँचते अंदर जैसे होता है ना, वैसे मम्मी बता रहे थे उसका मुंह रोने वाला हो जाता है। ये होता है ना, फिर उसके बाद तो खेलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तो मैं पूछती भी हूँ उससे, मैं 3 बजे तक मैं फ्री हूँ, क्योंकि 3 बजे मैं दोबारा चाय बनाऊँगी। फिर उसके बाद लक्ष्य आ जाएगा, लक्ष्य को रेडी करना, उसको खिलाना जो भी वो खाएगा। और मैं और दूध पपाया निकाल के रख देती हूँ मेरा हाथ में, मुझे नहीं तो फिर फ्रिज का रखा हो उसको, ठंडा मौसम है ना, तो ठंडे मौसम में फिर उसको दे नहीं सकते। फिर उसकी मेडिसिन वगैरह भी चल रही है, अगर अभी खाम उसको पकड़ लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक पपाया बाहर रखा हुआ ऑलरेडी निकाल के, नाश्ते में मैंने बना दी थी अरबी की सब्जी, क्योंकि इसके डैडी को सुबह जल्दी जाना था और उनको 8 बजे निकलना था, उनकी ट्रेनिंग भी थी। फिर हो सकता है आज वो डेली भी जाए, और लक्ष्य को भी 8:30 उसको निकलना ही होता है, और फास्ट भी था, कथा वगैरह पढ़नी थी, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने अरबी पहले से उबाल के रखी हुई थी, फिर अरबी आज उसको बना दी। और बहुत दिनों में अरबी बनाई थी तो खा भी लिया, एक बार तो खा के गया था, नहीं तो उसके नखरे हो जाते हैं। चाय निकल गई, हो गया मेरा काम, बढ़ गया मेरा काम। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में लक्ष्य आने पर। Hey guys, शाम के बज गए हैं देखो 3 बज गए हैं, और देखो बारिश कितनी तेज से होने लग रही है। फिर से लक्ष्य को भी लेकर आना है,
जब मैंने स्टार्टिंग में अभी दिखाया था ना 11 बजे जब बारिश नहीं हो रही थी, मैंने कहा था ना उसके बाद देखते हैं आज बारिश का पूरा मौसम है, तेज बारिश होने लग रही है। आज भी बारिश रुकने वाली भी नहीं है। और मैं बना रही हूँ अब तीसरे टाइम की चाय, क्योंकि अब मम्मी भी साथ में लेंगे चाय। ये तीसरी बार की चाय है जो मैं ले रही हूँ, गर्मियों में तो नहीं ली जाती भाई। कैसे आता है, ठंड लग जाएगी तो लग। आज तो जैकेट भी नहीं पहन के गया, सुबह तो इतनी ठंड सी नहीं थी लेकिन अब ठंडा हो गया है, बारिश सुबह से हो रही है ना। ठंड मुझे भी लग रही है, मैं तो सो के उठ के आई हूँ, सो गई थी मैं आज। क्योंकि वही एक टाइम होता है जिसमें सुबह अगर जल्दी उठ जाओ फिर आराम कर लो दोपहर को तो थोड़ा सा बॉडी ठीक रहती है, अदरवाइज थका थका सा रहता है। 1-2 घंटे में आराम कर लेती हूँ, ज़रूर करती हूँ। मम्मी नहीं थे जब तो नहीं टाइम मिल रहा था, क्योंकि मैं एडजस्ट कर लेती थी, शाम को जल्दी सो जाती थी या जो भी एडजस्ट कर लेती थी। अब ये है कि मम्मी आ गए ना तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, काम जल्दी ख़त्म होने की वजह से फिर मुझे आराम भी मिल जाता है, कपड़े अपड़े आयरन वगैरह करके सारे काम फिनिश हो जाते हैं, तो फिर 1-2 घंटे टाइम जो मिलता है वो अपना आराम कर लो। और भी कुछ काम होते हैं अपने पर्सनली तो वो कर लेती हूँ, अदरवाइज लक्ष्य के आने के बाद तो एक भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसके आने के बाद तो उसको नीचे लेके जाना, उसको खिलाना, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी, कई बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लक्ष्य के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं से फास्ट, देखो क्या करता है वो इस बार। चलो फिर मिलते हैं, जब लक्ष्य आएगा तब मैं मिलवाती हूँ आपको लक्ष्य से, क्या आज क्या उसकी कहानियाँ रहेंगी। कल तो उसके माथे में किसी ने, लड़के ने पुश किया होगा तो धक्का लग गया होगा, दीवार से उसका सर लगा तो यहाँ पे उसको थोड़ी सी वो निकल नहीं आता, यहाँ चोट लग गई थी, मतलब मैंने उसे नहलाया तो देखा मैंने, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये किसने मारा, तो कह रहे मम्मा ये मेरे फ्रेंड ने ना मुझे पुश किया, मुझे धक्का लग गया तो मैं वहाँ पे दीवार से मेरा सर लग गया। तो मैंने कहा आपने मैम को बताया था क्या, तो मैम को कंप्लेंट की आपने, तो दादी जाती हैं तो दादी को बता दिया करो, तो कह रहा नहीं बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मम्मा, मैंने उसे बॉक्सिंग मारी, वो डैडी कहते हैं ना मुझे कि अगर तुझे कोई मारे ना तो तू बॉक्सिंग मार के आया कर, तो वही करके आया है वो काम। तुम घर में आके मुझे बता रहा, बताता नहीं है जब तक उससे कोई चीज़ पूछो नहीं, अगर वो दिख ना जाए ना तब तक बताता ही नहीं है कि ये, और मुझे उसकी हर एक चीज़ एक्टिविटी पे नज़र रहती है मेरी उस पर, तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, बता तो देता है हर एक चीज़ लेकिन पूछने के बाद बताएगा, ये नहीं कि पहले से ही आके मुझे बता दे, इन्फॉर्म कर दे। चलो बच्चे तो सभी ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, गिरते पड़ते बड़े होते हैं, अब मैं इतना वो भी नहीं करती हूँ चलो, क्योंकि यहाँ पर भी खेलते हैं ना नीचे, कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, आर्यन अपनी कंप्लेंट्स लेकर आएगा, आंटी उसने मुझे ये मारा, और लक्ष्य अपनी कंप्लेंट्स लेकर आता है, प्रतीश अपनी कंप्लेंट्स लेकर आता है, सबकी कंप्लेंट सुनते रहो फिर बोलो अपने आप खेलो खेलो खेलो, कोई बात नहीं, नो कंप्लेंट्स। चलो बच्चों का तो ऐसे ही चलता रहता है, सभी बच्चों की एक ही कंप्लेंट्स रहती है। पौने 4 हो गए हैं, लक्ष्य को लेने तो गई हैं मम्मी, चलो कपड़े निकाल दूं मैं लक्ष्य के। हे गाइस, लक्ष्य को मम्मी लेने गई हैं और 4:15 आज, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से लक्ष्य का ये रहता है ना उसको ठंड जल्दी लग जाती है, अभी कुछ टाइम तो उसको क्योर करके रखना ही है।
दो कपड़े निकाले, देखो फिर क्या करता है वो, आके बदलवा देगा, मम्मा मुझे ये नहीं पहनना। लक्ष्मी देखो देखो दादी को भीग गए, कोई बात नहीं, मैं हाथ में क्या रही थी, मिट्टी मिट्टी आ रखी थी, बारिश हो रही है ना बेटा, इसीलिए दादी आपको सारा पानी भरा था। ओ चलो कोई नहीं, बाद में बताना। अच्छा सिर्फ गाड़ी जा सकती है, इसीलिए तो दादी आपको जल्दी लेने चली गई, बारिश हो रही है। चलो मैं तुम्हारे हाथ में धुला देती हूँ, पहले वो दे दो दादी को, मास्क दे दो। हो गया रेडी, बटन लगा दो। स्टार्ट, ये देखो आते ही हो गई दमाल चौकड़ी। और क्या किया आज स्कूल में? कुछ नहीं पढ़ा, बस ये खिलाया। खिलाया था आज? हाँ। अच्छा खिलाया नहीं, हाँ मतलब मुझे प्लेग्राउंड में लेके खिलाया। प्लेग्राउंड में लेके गए थे, खिलाया था आज। हाँ। चलो मैं तुम्हारे लिए पपाया काट देती हूँ। तुम्हारा होमवर्क क्या है वो आज रहने तो बेटा, पपाया खा लो आज। चलो लक्ष्य अपना होमवर्क करेगा, पपाया खाएगा। क्या मिला है आज होमवर्क में? अच्छा सेम एस। चलो अपना होमवर्क करो, मैं पपाया काट देती हूँ। ये होमवर्क मैं कराऊंगी, दूसरा और होमवर्क नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का है ना, ये मुझे बैठ के करवाना पड़ता है। लक्ष्य नहीं, दूसरा नहीं है, दूसरा। चलो पहले मैं तुम्हारा होमवर्क ही करवा दूं, आ जाओ। हे गाइस, देखो आज कैसा लग रहा है। और ये देखो मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े भी सूख रहे हैं, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कपड़े अपड़े तो धुलने ही धुलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कपड़े तो डेली के होते हैं। बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, और क्या कहते हैं, नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन लक्ष्य जिद कर रहा है, बट फोन देके उसे बिठा दिया है कि भैया बैठ जा, इतनी तेज बारिश में फ्रेंड्स भी नहीं आ रहे हैं तेरे, तो फिर कहाँ जाएगा। मेरे प्लांट्स देखो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। ये देखो इनके पीछे मेहनत है, भी मेहनत। ये वाले प्लांट्स भी, ये इसमें भी न्यू फ्लावर्स आए हुए हैं, मुझे लगा था एक और मैं ग्रीन कलर का लेकर आई थी, वो मैंने अंदर लगा रखा है। शाम की पूजा हो गई है, खाने में मैंने दाल अभी चढ़ा दी है। एक टाइम तो मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरे ये खुले व्रत है ना संतोषी माता के, तो एक टाइम तो मैं खाना खाती हूँ। शाम को दाल चावल बनते हैं मोस्टली, बाई चांस एकादशी बच जाए तो चावल नहीं बनते, उस दिन रोटी बनती है। और चलो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, आज की इस बरसात के साथ ही, क्योंकि शाम को तो ऑलमोस्ट वही सेम काम होंगे, और क्योंकि बारिश हो रही है, नीचे जाना हो नहीं रहा है, गाय की रोटी भी रखी हुई है, वो भी नहीं देने जाना होगा आज। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना प्यार बनाए रखें। और अच्छा लगता है, अपने फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार कहा भी था कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन जब कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, मेरे फ़ोन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं शायद, तो किसी के मैसेज आ भी नहीं पाते, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। चलो देखेंगे उस बात को भी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एट होम, बाय एंड टेक केयर।